Hello children, now we will be in English chapter 3, A Clever Rabbit. A means egg, clever means chala, rabbit means khargosh. Egg, chala, khargosh. Here some meanings are given, these meanings will help you to understand this chapter. So first of all read it, dense forest. Dense forest means a place covered with thick vegetation. एक ऐसा स्थान जो कि घने वनस्पति से ढका हुआ हो उसे हम कहते हैं डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल. ह्यूज, ह्यूज का मीन्स होता है लार्ज इन साइज, जो आकार में कैसा हो, बड़ा हो. टस्कर, टस्कर का मीन्स क्या होता है, एन एलिफेंट विद वेल डेवलप्ड टस्क. एक हाथी जिसके दांत जो हो वो पूरी तरह से क्या हो, विकसित हो, बड़े दांतों वाला जो हाथी होता है, दीर्घ दंती होते हैं जिसे उसको, और टस्कर का मीन्स क्या होता है, दीर्घ दंती, बड़े दांत वाला हाथी. लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मीन्स क्या होता है, केयर फॉर, देखभाल करना, किसी की परवाह करना. ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन. एक ऐसा समय जब बारिश ना हुई हो तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉट. अगर हिंदी में इसका एडजेक्ट मीन देखेंगे तो वो क्या होगा, सूखा. वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मीन्स क्या होता है, अ प्लेस कंटेनिंग वाटर, एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो उसे हम बोलते हैं वाटर बॉडीज, लाइक रिवर, लेक. नेक्स्ट रैबिट, रैबिट का मीन्स क्या है, हर, जिसका मीन्स होता है खरगोश. सर्वाइविंग, सर्वाइविंग का मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑन, जीवित रहना. मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स क्या होता है, अ स्पेशल पर्सन हु कैरीज एंड ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम एंड फॉर एनीवन. एक ऐसा व्यक्ति जो संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाए या फिर लेकर आए. फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मीन्स क्या होता है, एक्सक्यूज, क्षमा करना. माइटी, माइटी मीन्स क्या होता है, पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर. नाउ वी विल बी इंट्रोड्यूस द चैप्टर. If you are mighty and big one, you should not ignore the small and weak person. यदि आप शक्तिशाली हैं, बड़े हैं, तो आपको कभी भी किसी छोटे या कमजोर व्यक्ति को अनदेखा नहीं करना चाहिए. You should also care for them. तुम्हें उनके लिए क्या करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए. In this chapter, you will read a story of a clever rabbit and elephants. इस chapter में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, एक चालाक खरगोश और हाथियों के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start the chapter. Once upon a time, there lived a herd of elephants in a dense forest. एक बार एक घने जंगल में हाथियों का झुंड रहा करता था. द टेयर किंग वॉज वेरी यूज एंड हैड लॉन्ग टस्क. और उनका जो राजा था वह बहुत ही विशाल था, बड़ा था, और उसके लंबे दांत थे. ही वॉज वेरी काइंड टू हिज मेंबर्स, ही लुक्ड आफ्टर द हर्ड केयरफुली. वह अपने सदस्यों की प्रति काफ़ी दयावान था और सावधानीपूर्वक उनकी, अपने जो झुंड था हाथियों का, उसकी देखभाल करता था. ही प्रोटेक्टेड हिज ग्रुप फ्रॉम द हिडन डेंजर्स ऑफ ट्रैप्स एंड लेड देम सेफली. वह छुपे हुए जो खतरों के छिपे हुए फंदे होते हैं उनसे उसने क्या किया, अपने ग्रुप को बचाया और उनको सुरक्षित ले गए.
आ ग्रेट ड्रॉट वंस हिट द एरिया, एक बार उस क्षेत्र में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। द नियर बाय रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स ऑल ड्राइड अप, अब पास की जितनी भी नदियाँ थी, झीलें थी और सब कुछ तालाब वगैरह जो थे वे सब कैसे हो गए, सूख गए। द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर डाइंग ऑफ थर्स्ट, अब जानवर और जो पक्षी थे वो किससे मरने लगे, प्यास से मरने लगे। द एलिफेंट्स ऑफ दैट ग्रुप ऑल्सो सफर फ्रॉम नीड ऑफ वाटर, अब हाथियों का जो समूह था उसे भी पानी की आवश्यकता से क्या करना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि पानी था ही नहीं, पानी तो सूख चुका था क्योंकि सूखा पड़ गया था। सो द किंग ऑफ एलिफेंट्स ऑर्डर फोर ऑफ हिज ड्यूटीज टू सर्च द नेबरिंग फॉरेस्ट फॉर सम फ्रेश वाटर बॉडीज। इसलिए राजा ने क्या किया, हाथियों के राजा ने अपने चार जो उपसभापति थे उनको आदेश दिया कि वह पड़ोस के जंगल में जाएं और वहाँ पे कुछ शुद्ध जल की खोज करें। एंड वन डिप्टी फाउंड इन अ फार अवे जंगल अ डीप लेक फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर, उनमें से एक जो उपसभापति था या फिर हम कह सकते हैं कि हाथियों का जो प्रतिनिधि था वो ये कहाँ गया, उसको दूर जाके जंगल पे एक गहरी झील मिली जो कि साफ और शुद्ध जल से भरी हुई थी। द लेक वॉज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज शेडी ट्री, और उस झील के चारों ओर कैसे थे, छायादार वृक्ष थे। मैनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड देयर, वहाँ पर पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ और जानवरों की प्रजातियाँ रहा करती थी। कहाँ पर, जो लेक मिली थी उसको, जो झील मिली थी हाथियों को, वहाँ पर। द लेक वॉज कॉल्ड द मून लेक, और जो झील थी उस झील को क्या कहा जाता था, मून लेक बोला जाता था। द डिप्टी रिटर्न विद गुड न्यूज, अब जो डिप्टी था वो कैसे आया, अच्छी खबर के साथ वापस आया। द किंग ऑर्डर हिज ग्रुप टू स्टार्ट इमिडिएटली फॉर द मून लेक, अब राजा ने अपने समूह को आदेश दिया तुरंत ही उस झील के पास चलने के लिए। ऑन देयर वे टू द लेक द हर्ड हैड टू पास थ्रू अ प्लेस विच वॉज द हाउस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, झील के रास्ते से जब वह एक ऐसे स्थान से गुजरे जहाँ पर हजारों खरगोश का घर बना हुआ था। द हैप्पी एलिफेंट्स ट्रम्पेटेड डाउन देयर वे टू द लेक, अब खुशी से जो हाथी जा रहे थे उनको पानी मिल गया था, इस वजह से वे क्या थे, काफ़ी खुश थे, तो खुशी से वे चिंगारते हुए हाथी जो थे वह झील के रास्ते जा रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स वर ट्रैम्पल्ड बाय देम एंड स्कोर्स मोर वर इंजर्ड, अब हजारों खरगोश जो थे वह उनके द्वारा कुचले गए थे और बहुत सारी मात्रा में जो खरगोश थे वह क्या थे, घायल हो चुके थे। अनअवेयर ऑफ द फैक्ट द ओवरजॉयड ग्रुप प्लंज इनटू द लेक, अब इस सच्चाई से अनभिज्ञ होते हुए जो समूह था वो खुशी से जा रहा था तो वह झील में प्रवेश कर गया। दे ड्रैंक बाथ एंड प्लेड इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने पानी पिया, वे नहाए और उसमें लंबे समय तक उसमें खेले पानी। आपने देखा होगा कि हाथी को पानी से खेलना काफ़ी पसंद होता है, तो इसी तरह से वह लंबे समय तक उसमें पानी में खेले। देन द हर्ड रिटर्न थ्रू द सेम रूट, हंड्रेड्स ऑफ मोर रैबिट्स वर क्रश्ड, और फिर से हाथियों का झुंड था फिर उसी रास्ते से वापस आया और फिर से
100 से ज़्यादा जो खरगोश थे वे कुचले गए। एन अर्जेंट मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय द किंग ऑफ द रैबिट्स। अब खरगोशों का जो राजा था, जैसे कि हाथियों का राजा था, वैसे ही खरगोश का जो राजा था, उसने एक तुरंत ही क्या बुलाई, सभा बुलाई, मीटिंग रखी। ही आस्क द सर्वाइविंग रैबिट्स टू फाइंड आउट अ वे टू प्रिवेंट द रीऑकरेंस ऑफ दैट ट्रेजेडी। और जो जीवित बचे हुए खरगोश थे, उनसे कहा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे कि इस घटना के दोबारा होने से बचा जा सके, ऐसा कोई तरीका ढूंढो। योर मैजेस्टी, सैड अ लिटिल रैबिट, आई विश यू टू सेंड मी टू द एलिफेंट किंग एज योर एम्बॉय। तो छोटे खरगोश ने कहा कि महाराज, मेरी इच्छा है कि आप मुझे हाथी राजा के पास में भेज दें अपना दूध बनाकर। एंड एश्योर यू दैट द एलिफेंट्स विल नॉट पास थ्रू आर कॉलोनी अगेन। और मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि हाथी जो हैं वो दोबारा से हमारी कॉलोनी से होकर नहीं गुजरेंगे। द रैबिट किंग एग्री टू हिज विश एंड द लिटिल रैबिट हरेड आउट ऑन हिज मिशन। अब जो खरगोश का राजा था, वह उसकी इस इच्छा से सहमत हुआ, और जो छोटा खरगोश था वह क्या हुआ, जल्द ही अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो गया। ही सो द हर्ड नियर अ स्मॉल हिल। उसने पहाड़ी की एक छोटी सी पहाड़ी के पास में क्या देखा, झुंड देखा। सो ही माउंटेड अ हाई रॉक एंड शाउटेड, ओ द किंग ऑफ एलिफेंट्स कैन यू हियर मी। तो वह एक बड़ी सी ऊंची सी चट्टान के ऊपर चढ़ गया और चिल्लाया कि हाथियों के राजा, क्या आप मुझे सुन सकते हो। द एलिफेंट किंग टर्न टूवर्ड्स हिम। हाथियों का जो राजा था वह उसकी ओर मुड़ा। हु आर यू, आस्क द एलिफेंट किंग। हाथियों के राजा ने पूछा, आप कौन हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 18. आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द मून गॉड, रिप्लाइड द लिटिल एम्बॉय। अब ये छोटा दूत था, उसने आंसर दिया कि मैं क्या हूँ, मैसेंजर हूँ, मैं एक संदेशवाहक हूँ, और किसका, चंद्र देव का। वॉट एवर आई से आर द वर्ड्स ऑफ द मून गॉड, और मैं जो भी कुछ कहूँगा वे सभी शब्द किसके होंगे, चंद्रदेव के होंगे। आई एम जस्ट कन्वेइंग देम, और मैं केवल उन्हें आपको क्या करूँगा, आप तक उनको पहुँचा रहा हूँ। इफ़ यू प्रोमिस मी नो हार्म देन आई एल स्टार्ट विद द मैसेज। अगर आप मुझसे वादा करेंगे कि आप मुझे कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे, तो मैं उस संदेश को क्या करूँ, आपको बताना शुरू करूँ, आरंभ करूँ। आई विल डू यू नो हार्म, सेड द एलिफेंट किंग, सो से वॉट यू हैव टू। तो हाथियों का जो राजा था, उसने बोला कि मैं आपको कुछ भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा, और जो कुछ भी तुम्हारे पास कहने के लिए है वो बोलो। द मून गॉड हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी टू वॉर्न यू एंड योर ग्रुप नॉट टू गो नियर द होली लेक, सैड द रैबिट। खरगोश ने कहा कि जो चंद्र देव हैं, उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपको जाके क्या करूँ, चेतावनी दूँ, आपको जाके इसके लिए मैं आगाह करूँ कि आप और आपका जो ग्रुप है, आपका जो समूह है, वह उस पवित्र झील के किनारे ना जाए। फॉर यू हैव किल्ड थाउजेंड ऑफ रैबिट्स अंडर योर फीट्स, क्योंकि आपके पैरों से क्या हो चुके हैं, हजारों खरगोश जो हैं वो मारे जा चुके हैं। द होली वाटर ऑफ द लेक वॉज सॉइल्ड बाय योर किलर फीट। और जो पवित्र क्या थी,
पवित्र जल की झील थी वह क्या हो गई है, आपके जो किलर फीट हैं उनसे वह कैसी हो गई है, मटीली हो गई है। इफ इवन अ सिंगल रैबिट इज किल्ड बाई यू माई गॉड विल पनिश यू एंड योर ग्रुप सेवनली। अगर अब एक भी खरगोश आपके या आपके समूह के पैरों से मारा गया तो मेरे जो भगवान हैं वो आपको कड़क क्या देंगे, सजा देंगे। द एलिफेंट किंग वॉज शॉक्ड, हाथियों का हाथी होता वो एकदम अचंभित हो गया। ही रियलाइज्ड दैट मैनी रैबिट्स मस्ट हैव बीन किल्ड बाय देम, और उसको एहसास हुआ कि उनके द्वारा काफ़ी खरगोश मारे गए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में खरगोश जो हैं वो मारे गए हैं। आई सी दैट नो मोर रैबिट्स आर किल्ड सेड द एलिफेंट किंग, राजा जो हाथी राजा था उसने कहा कि मैं देखूंगा कि अब और खरगोश ना मारे जाए। आई सी फॉरगिवनेस फ्रॉम द मून सो वॉट शैल आई डू, और मैं क्या करूँगा, चंद्रमा से क्षमा मांगूंगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे क्या करना चाहिए। द लिटिल रैबिट टुक द टस्कर टू द लेक इन द स्टिल क्लियर वाटर वॉज रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, और जो छोटा खरगोश था वह दीर्घ दंती मतलब बड़े दांतों वाले हाथी को कहाँ ले गया, उस झील के पास में ले गया, और जो कि उसका पानी अभी भी साफ था तो चंद्रमा की जो परछाई थी वो उस पानी में दिखाई दे रही थी। कम एंड फेस आर मून सेड द लिटिल रैबिट, अब छोटे खरगोश ने कहा कि आओ और चंद्रमा का सामना करो। फॉरगिव मी एंड माय ग्रुप सेड द एलिफेंट एंड विद हिज ट्रंक ट्राइड टू टच द मून, अब हाथी ने कहा कि मुझे और मेरे समूह को क्षमा कर दीजिए, और उसने अपनी सूंड से उस चंद्रमा को छूने की कोशिश की। नो सूनर डिड द ट्रंक टच द वाटर देन द रिपल्ड वाटर रिफ्लेक्टेड डजन्स ऑफ मून्स, और जो ही उसकी सूंड ने जल को छूने की कोशिश की वैसे ही उसमें लहर उठी पानी में, और लहर उठने के कारण क्या हुआ कि उसमें दर्जनों चंद्रमा दिखाई देने लगे उन लहरों में। माय गॉड हैज फॉर गिवन यू सेड द लिटिल रैबिट, छोटे खरगोश ने कहा कि मेरे देव ने आपको क्षमा कर दिया है। बट नेवर अगेन ट्राई टू टच द वाटर ऑफ दिस लेक, लेकिन दोबारा से इस जल को इस झील के जल को छूने की कोशिश नहीं करना। देन द रैबिट शोड द एलिफेंट किंग अ स्मॉल लेक ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉल हिल, और खरगोश ने क्या किया, जो हाथियों का राजा था उसको दूसरी तरफ पहाड़ी की दूसरी तरफ जो झील थी वह जाकर दिखाई। द एलिफेंट किंग थैंक द रैबिट एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू कम टू हिज मून लेक अगेन, और जो हाथियों का राजा था उसने खरगोश को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह फिर से कभी इस मून लेक पर नहीं आएंगे। दस अ क्लेवर लिटिल रैबिट यूजिंग हिज वेट पुल्ड अ माइटी एलिफेंट, और इस प्रकार से एक चालाक खरगोश ने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए विशाल हाथी को मूर्ख बना दिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है और जो वर्क है वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी, तो उसे आप अपनी नोटबुक में